लास्ट में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। अब ये लेक्चर में हम देखेंगे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड कॉन्स्टेंट। ये तीनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट या तो वर्ड हम ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में देख चुके हैं, उनका यहां पर भी सेम मीनिंग रहेगा। जैसे कि कीवर्ड्स, तो वो एक प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं। प्रोग्रामिंग में ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो पहले से ही आपको दिए गए हैं, हम उसका मीनिंग प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इफ, व्हाइल, फॉर, स्विच, इंट, फ्लोट, कैर वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का मतलब हम प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल, फंक्शन या तो क्लासेस या फिर एरे जो डिक्लेयर करते हैं, उनका नाम जो है वो है आइडेंटिफायर, जो आप प्रोग्राम क्रिएट करते टाइम ही दे सकते हैं। आइडेंटिफायर मतलब एक पर्टिकुलर नाम। यहां पर आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए जैसे सी प्रोग्रामिंग में रूल्स थे, वैसे ही रूल्स यहां पर भी है। जैसे कि आइडेंटिफायर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर का हो सकता है। आइडेंटिफायर का नाम हम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट से ही होना चाहिए। हम जो भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं वो केस सेंसिटिव है, और उसके अलावा यहां पर आइडेंटिफायर नाम का लेंथ भी 31 कैरेक्टर रहेगा। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट मतलब जिसका वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम के दरमियान चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह से सी प्लस प्लस में भी वो ही मीनिंग से हम कॉन्स्टेंट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे देख सकते हैं 1, 2, 3 या 12.23 या सिंगल कोटेशन में ए, यानी कि किसी भी डेटा टाइप के कॉन्स्टेंट को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्कोप ऑफ द वेरिएबल।